भाजपा पूर्व पार्षद सरिता यादव ने, ने की के युवक की पिटाई के मामले की जांच चल रही है शुक्रवार को पांचवे दिन पीड़ित युवक का बयान पीएसआई एस आई धवे ने दर्ज किया पीड़ित परिवार पुलिस आयुक्त से मिलने के बाद आयुक्त ने डीसीपी नुरुल हसन को जांच की आदेश दिए थी भाजपा महिला पूर्व पार्षद सरिता यादव पति निकेश यादव व बड़ी बेटी के खिलाफ एफआईआर हो चुका है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई पीड़ित परिवार ने इस मामले में और धाराएं बढ़ाने की मांग पुलिस आयुक्त से की मामले को गंभीरता से लेकर डीसीपी नुरुल हसन जांच कर रहे हैं नुरुल हसन ने बताया कि मामले की जांच चल रही है अभी धाराएं वही है बढ़ाई नहीं जांच में जो जो चीजें सामने आएगी उस तरह से आगे की कार्रवाई होगी यदि धाराएं बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से धाराएं बढ़ेगी नहीं तो नहीं दोषियों पर कार्रवाई होगी शुक्रवार को पीड़ित नाबालिग करण डोरले उम्र सत्रा ने पुलिस को घटना की सारी आपबीती बया की सरिता यादव से पीड़ित परिवार डरा हुआ है करण के साथ जो मारपीट हो गयी उसे उसके पूरे शरीर में सर में दर्द हो रहा है मामले में लिप्त आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से पीड़ित परिवार खतरा महसूस कर रहा है बी न्यूज के लिए वारिस सौरभ पाटिल की रिपोर्ट